हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं नए नए न्यू बैंक्स और पेमेंट्स ऐप्स लाया करता हूँ टीनेजर्स के लिए। ठीक है, तो आजकल जो फैमपे और ओमनी कार्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया हम टीनेजर्स के बीच। तो आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कौन सा हमें कार्ड यूज़ करना चाहिए, कौन सा कार्ड आप प्रेफर करते हैं, कौन सा ईजी रहेगा हम लोग सबके लिए यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मैं सारे डिफरेंसेस लाया हूँ, प्रॉस एंड कॉन सभी मैं बताऊंगा, कौन सा प्रेफर करता हूँ सभी टॉपिक लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रहेगा इसका लुक। ठीक है, आपका जो ओमनी कार्ड का लुक है वो कुछ इस तरह है। आप इसका ओमनी कार्ड का लुक देख सकते हैं। मुझे फैमपे कार्ड की काफ़ी सिंपल लगता है अगर से फैमपे कार्ड से कंपेयर किया जाए। तो इसका देखिए फ्रंट और ये इसका बैक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है, पर जो हमारा फैमपे कार्ड है वो कूल, काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। इसका फैमपे आप कूल का लुक देख सकते हैं। ये हमारा फैमपे कार्ड का लुक है, ये कितना कूल लगता है। इसका बैक देख लीजिए। अगर आपको बताओ कि फैमपे ने नए नए डूडल्स कार्ड भी, आपने देखा होगा कि फैमपे ने नए नए डूडल कार्ड्स भी लॉन्च किए हैं, तो उनसे अगर कंपेयर किया जाए ओमनी कार्ड, तो ओमनी कार्ड उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस है इसका एटीएम टेस्ट। ठीक है, इसका अगर हम एटीएम टेस्ट करते हैं फैमपे का और ओमनी कार्ड का, तो दोनों कोई भी वक्त एटीएम में नहीं करता है। तो मैं आपको एटीएम टेस्ट के ऊपर कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहूँगा, तो वीडियोज़ देखिए आप। तो जैसा आपने देखा कि फैमपे और ओमनी कार्ड दोनों ही एटीएम में वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड डिफरेंस है, मैं आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा लिख के लाया हूँ, वो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है, जो हमारा सेकंड डिफरेंस है स्कैन। ठीक है, जो हमारा फैमपे है वो सभी क्यूआर को स्कैन और पेमेंट कर सकता है। अगर आपको पता हो कि फैमपे हमारे सारे स्कैन क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, बट ओमनी कार्ड में ऐसा नहीं है। ओमनी कार्ड सिर्फ मर्चेंट क्यूआर को ही स्कैन कर सकता है, उनसे पेमेंट कर सकता है। अगर आप फोन पे और गूगल पे के स्क्रीनशॉट लेकर आपसे पेमेंट करते हो तो फेल हो जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा गया दिस नॉट मर्चेंट्स यूपीआई। ठीक है, जो हमारा थर्ड डिफरेंस है, फैमपे में हमें यूपीआई आईडी प्रोवाइड करती है, यूपीआई आईडी। ठीक है, बट हमारी ओमनी कार्ड में कोई भी यूपीआई आईडी का ऑप्शन नहीं है। दोनों में यूपीआई है, बट यूपीआई आईडी केवल सिर्फ फैमपे ऐप में ही है। ठीक है, हमारा जो फोर्थ है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हमारा रुपए का होता है फैमपे में। ठीक है, रुपए का, और साथ ही साथ ओमनी में भी रुपए का डेबिट कार्ड होता है। हमारा फिफ्थ डिफरेंस है बैंक। जो हमारा फैमपे कार्ड है वो IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और ओमनी कार्ड यस बैंक द्वारा। ठीक है, ओमनी कार्ड यस बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त होगा अगर आपको पता होगा तो। सिक्स्थ डिफरेंस हमारा डाउनलोड्स का। अगर आपको पता होगा कि फैमपे के जो डाउनलोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स फैमपे के जो डाउनलोड्स हैं, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, बट ओमनी कार्ड के 50K डाउनलोड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इतने कम समय में इतने ज़्यादा डाउनलोड्स। ओमनी कार्ड के 50K प्लस डाउनलोड्स हैं। हमारा सेवन्थ है प्राइस।
जो सबसे ज़्यादा हम लोग को लो सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए मायने रखता है प्राइस। तो फैमिली कार्ड का जो प्राइस है 599, अगर आप डूडल कार्ड लेते हैं, फैम कार्ड नहीं लेते हैं, डूडल वाला, तो उसका प्राइस है 599। और जो हमारा सेकेंड वेरियंट है उसका 299 का क्लासिक कार्ड, क्लासिक कार्ड 299 रुपये इसका प्राइस है। बट ओमनी कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओमनी कार्ड हम सभी टीनर्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसमें 519 आपको पे करने पड़ते हैं, जो ऑलरेडी हमारे ओमनी कार्ड में ऑलरेडी ओमनीस होती हैं, 519 से आप पे करेंगे और आपका जो कार्ड है वो ऑर्डर हो जाएगा। हमारा 8.8 है पॉइंट RBI, मतलब कि जो हमारा फैम पे वो RBI द्वारा मान्यता प्राप्त है, सेम एज ओमनी कार्ड को भी RBI द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारा 9th है कैशबैक। अगर हम अपने फैम पे से कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमें कैशबैक के रूप में क्या मिलता है, तो हमें फैम पे में फैम पॉइंट्स मिलते हैं। फैम पे कॉइंस, अगर आपको बताओगे कि फैम पे कॉइंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो और जो हमारा ओमनी कार्ड है, ओमनी कार्ड में हमें ओमनीज मिलती हैं, सेम एज यूज़ उनका ओमनीज ने भी ओमनी कार्ड में भी होता है। आप उससे कोई भी ऑर्डर है काफ़ी, मतलब अगर आप उसका कूपन कोड यूज़ करते हैं तो हमारा कोई भी जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो हमारा 10th पॉइंट है रेफर एंड अर्न। अगर हम फैम पे में किसी को रेफर करते हैं, किसी को रेफर एंड करने के लिए, जैसे हमको हमारी लिंक से कोई भी कोई डाउनलोड करता है, तो हमें मनी भी मिलेगा और फैम पे कॉइन्स भी मिलते हैं, बट ओमनी कार्ड में हमें सिर्फ ओमनीज मिलती हैं। तो फैम पे में ये बात अच्छी है कि हमें मनी भी मिलता है, ओमनी और हमारे फैम पे कॉइन्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। और हमारा 11th है एक्टिवेशन, ठीक है, फैम पे कार्ड का एक्टिवेशन और ओमनी कार्ड का एक्टिवेशन। तो मैं फैम पे और ओमनी दोनों कार्ड के एक्टिवेशन के लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी कि कैसे हमें एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हमारा 12th पॉइंट है, हमारा 12th पॉइंट है टाई अप्स, ठीक है। तो फैम्पी जो ऐप है उसके टाई अप्स काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने स्विगी, जोमेटो, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रखा है, पर ओमनी कार्ड में काफ़ी कम टाई अप्स हैं फैम्पे ऐप के मुकाबले। हमारा 13th पॉइंट है बेनिफिट, ठीक है। फैम्पे में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखिए फैम्पे हैं आप रिचार्ज कर सकते हैं, फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सेम एज ओमनी कार्ड में इतने ही सारे फीचर हैं कि आपने रिचार्ज कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ ही ऑर्डर कर सकते हैं ओमनी ऐप से भी। और सेम एज अगर आप फैमपे में कुछ भी मनी मनी का ट्रांसफ़र करना चाहो अपने बैंक में, अगर आपने जो पैसा है फैमपे ऐप में अगर उसे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहो तो आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, बट जो हमारा ओमनी कार्ड में आप उसे डायरेक्ट पैसा जो है बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा जैसे फ़ोन पे एंड गूगल पे में पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वैसे फैमपे में ऐसा कोई ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं, बट हमारे ओमनी ऐप में बैंक में भी पैसा ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है। बस अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे और जो हमारा IFSC कोड डालेंगे और हमारा ओमनी में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बट इसका जो कमी ये है, आप इसमें 3% चार्ज लगता है, अगर आप 100 रुपये के पे में करते हैं, बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो 3 रुपये आपके ओमनी ऐप से कट जाएंगे, ठीक है। तो 15th ऑप्शन क्या प्रेफर किया जाता है, तो प्रेफरेंस अगर आप प्राइस से इसको डिफरेंस करते हैं कि प्राइस इसका कौन ज़्यादा है कौन कम है, अगर आप उतना रुपए नहीं हैंडल कर पाते हो तो आपके लिए ओमनी कार्ड बेस्ट रहेगा क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप रुपए हैंडल कर लेते हो तो फैमपे कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, पर मेरे आपसे जो फैमपे कार्ड है वो आप सभी के लिए बेस्ट, क्योंकि बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है स्कैन एंड पे, क्योंकि हमारा जो टीनेज से सबसे हम स्कैन पे का यूज़ करते हैं, स्कैन एंड पे का यूज़ करते हैं, पर आप जो ओमनी कार्ड में है तो मर्चेंट क्यू आर हर जगह सर्च नहीं हो पाता ना, तो हमारे लिए सभी के लिए फैमपे कार्ड और फैमपे ऐप समझ रहे सबसे हो, बेस्ट रहेगा। तो आप समझ रहे हो, फैमपे ऐप को यूज़ कर समझ रहे हो सकते ना। हैं। बस आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको हो सकता है मैंने अच्छे से बताया है आपसे, तो अगर आप वीडियो पसंद हो लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब ना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय।